सेक्शन दिया हुआ है जिसमें अंडरवुड एक है और उस अंडरवुड के अंदर एक अंडरवुड दिया है जो है 42849, और 42849 का अंडरवुड निकालें तो ये आएगा 207। ये आ जाएगा 207। बाकी अंडरवुड निकालना तो आप जानते ही होंगे, अंडरवुड निकालने का क्या तरीका होता है, चलिए वो भी बता लेते हैं, इसको लॉन्ग टर्म में समझाते हैं आपको क्या है। 42849, 849, इधर से जोड़े बनाना शुरू करते हैं हम लोग, इधर से जोड़े बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये आखिरी जोड़ा बच आखिरी ये बचा तो 4, फिर ये कैसे जाएगा, 2 से, 2 दूनी 4, ये कट गया। अब यहाँ पे हो गया तो ये आया 2, और यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, इधर उतरा नेक्स्ट वाला 28। ठीक है, अब 4 में हम यहाँ पे जो लिखेंगे उसी का गुणा करना होगा, तो अगर हम यहाँ पे 0 लिखें और 0 का गुणा करें तभी 28 से कम आएगा, बाकी अगर यहाँ 1 लिख के 1 का गुणा करेंगे तो 41 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 28 ही आ गया वापस, और यहाँ हो गया 40। ठीक, अब उतर के आया क्या, 49। अब अगर हम यहाँ पे 7 लिखें और 7 का गुणा करें और तो देखें कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 चौके 28, पूरा का पूरा कट गया। तो क्या क्या आया है, पहले तो 2 आया था, फिर उसके बाद 0 आया, फिर उसके बाद 7 आया, तो 207। इस तरीके से निकालते हैं, तो आप समझ गए होंगे 207 आया इसका अंडर रूट, और ये है 54756, 54756 का अंडर रूट आएगा 234, इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे अगर आप तो 7 4 11 का 1, 3 1 4 1, 3 और 1 4, 3 और 1 4, और 2 2 4, 441, 441 का अंडर रूट तो आपको याद ही होगा, 21। ठीक है, तो 21 उत्तर हो गया, 21 किसी में दिया है, नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं, आंसर आएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है।